जा रही हूँ इसलिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत सुंदर जो इसने रेडी किया है। लेकिन हाँ मुझे हाँ मतलब मुझे इतनी खुशी तो होती है कि सोमू के पीछे इतने सारे लोग पड़े रहते हैं ना मेरे वहाँ। इतना अच्छा वो दिखते है ना यहाँ से हिमालय, और मतलब काफी अच्छा व्यू नहीं आता है यहाँ। पहाड़ी बोल के दिखाऊँ आपको मैंने, अरे बहुत पहाड़ी प्लेस है। आप सभी को मेरा प्यार भरा पैलाग और छोटी को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है पूनम डोबाल और मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो आज मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से। अभी बजे हुए हैं 10:30 और आज जाने वाली है सोमू। कल आपको आपने देखा होगा हमने रात को काफ़ी इंजॉय करा था, उसमें भी ब्लॉग बनाया था। परसों हम घूमने गए थे मतलब कली मतलब, और सोमू का वाइबा भी था तो वो भी सोमू ने पूरा करके आज जा रही है घर को। तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग की स्टार्ट मैं भी मॉर्निंग से ही कर देती हूँ। तो ये रही हमारी मोमो। हेलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा पैलाग और छोटू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। और क्या बोलूँ फिर, आज मैं जा रही हूँ इसलिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत सुंदर जो इसने रेडी किया है। सॉरी हाँ जी मैं नहीं, क्योंकि ना सोमू थोड़ा बहुत ज़्यादा करते तो तभी मैं कहती हूँ अच्छी अच्छी मतलब काफ़ी सुंदर है सोमू। मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही रहने के लिए थोड़ा बहुत सिंपल बने रहे। सुंदर नहीं हूँ मैं मैं बिहार जैसी बनी रहती ना, इसलिए थोड़ा सा इसलिए मुझे चेंज किया है मेरा। वैसे लग तो नहीं रहा होगा ना, अभी लगेगा। फोटो शेयर करी जाएंगी और पहले इसकी फोटोग्राफी करते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं हम थोड़ी देर में। फोटो शूट यहाँ पे चल रहा है। सवा सोमू उड़ ही नहीं रहे, तो जब हवा चलेगी तब करेंगे। अरे हाँ, एक तो हम लोगों ने काफी सारी फोटो खींच ली है। मोमो की इतनी सारी फोटो खींची मैंने और रील भी बनाई है, रील भी बना दी, क्योंकि सोशल मीडिया का इतना मतलब वो बढ़ चुका है ना, क्या कहते हैं उसको, मतलब सोशल मीडिया ही अभी रियल जिंदगी है ऐसा सोचते हैं लोग। अभी कमी नहीं है, सब लोग हैं। हाँ, फोटो मतलब बहुत जरूरी हो जाती है मतलब, और होना भी चाहिए क्योंकि ये यादगार रह जाती है। तो मोमो के जाने के दिन आसमान भी रोने लग गया, बारिश हो रही है, धीरे धीरे बारिश जैसी आ रही है। और बाड़ी का वो कर दिया ना, गोकुलदा को कॉल कर दिया हमने। गोकुलदा 2 बजे जाने वाले हैं। इस बार कैसा लगा? इस बार मस्त, क्योंकि इस बार हम वहाँ घूमने भी गए। वो ब्लॉग देख लेना, देखा ही होगा पहले, और जिसने नहीं देखा होगा वो देख लेना इसके आगे वाले ब्लॉग में। और यहाँ से जा रही हूँ तो बुरा भी लग रहा है पर अच्छा है कभी कभी घूमने के लिए। और सबसे बेस्ट यहाँ क्या है बताओ, मौसम। गर्मियों में भी स्वेटर पहन के रहते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि ज़्यादा गर्म नहीं है ना इधर। और घूमने लायक भी अच्छा है, मतलब शहरों से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। हाँ, क्योंकि गर्मी नहीं है यहाँ पे, धूल पोल्यूशन कम रहता है। और देखो पेड़ पौधे आसपास, पूरी हरियाली हरियाली हरियाली। और हाँ, और स्कूल और सब कुछ मतलब शहरों का जैसा ही है। हाँ, फैसिलिटी है ये मतलब यहाँ। ये सोमू मेरी रूममेट थी पहले, और हम लोग साथ में रहते थे, एक ही साथ पढ़ते भी थे, एक ही साथ खाते थे, घूमते थे, काफ़ी अच्छे दोस्त थे हम लोग। फिर यूँ हुआ कि सोमू की शादी तय हो गई और बीए भी पूरा हो गया, सोमू घर चली गई। तब से कभी कभी आती है मुझे देखने के लिए यहाँ। लेकिन हाँ मुझे हाँ मतलब मुझे इतनी खुशी तो होती है कि सोमू के पीछे इतने सारे लोग पड़े रहते हैं ना मेरे वहाँ मेरे साथ, चल ये चल वो चल, फिर भी सोमू मतलब, क्योंकि मेरे बेनाग में बहुत सारे दोस्त हैं, फिर भी मैं इसी के वहाँ मेरे यहाँ रहते हैं जितनी बार भी आते हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मतलब। हाँ ना, बताया इसके उसमें इतने अच्छे फोटोज आते हैं ना, मतलब DSLR मतलब कैमरा फेल कर देता है इस वजह से इस वजह से भी ये मेरी आ रहती है। और इस वजह से भी नहीं यार, पहले भी रहती थी जब तेरे पास न्यू फोन था। खुद ही कह रही है मैंने थोड़ा ना कहा। हाँ ना, अच्छा वो दिखता है ना यहाँ से हिमालय, और मतलब काफी अच्छा व्यू नहीं आता है यहाँ, अच्छा आता है ना। हाँ। और बाकी आप लोग फोटो में देख लेना, और जिसने बेनाग नहीं देखा वो आ सकते हैं, सोमू के घर रहेंगे वो। मेरा क्या है, सोमू ले जाएगी सबको। पूनम तो अपने फैमिली मेंबर को ऐसा कह रही है, मेरी फैमिली है वो। हाँ मैं जानती हूँ, तो मैं सब बता, तू मेरे दोस्त है ना, फिर अब तू भी तो थोड़ी बहुत हेल्प करेगी। हाँ ठीक है ठीक है। और आज का मौसम अभी कुछ ऐसा हो रखा है, वेरी नाइस
वेरी ब्यूटीफुल मौसम मैं आजकल ना खुद की तारीफ खुद से ही करनी पड़ती है और कोई नहीं करता है। मैं भी तो यही करती हूँ, खुद के ढोल खुद ही बजाते हैं हम। जब फर्स्ट बेटना गई इतना एटीट्यूड था ना इसमें, मैं बता नहीं सकती। हमारे रूम पे आई थी ये, पहले हम दूसरे रूम पे रहते थे ना अलग अलग, मतलब ये हमारे रूम पे आई थी तो बात होना, जाऊँ मैं घर कहती थी, फोन में लगी, हम बातें कर रहे थे अपना फोन पे चिपकी हुई थी। और पता है उन दिनों मुझे आदत नहीं थी बोलने की, तभी तो मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी पागल बोलूंगी करके, और ये लोग सुनते ही नहीं थे, अब नहीं बोलेंगे बस। तो ये मैंने ब्लॉग शुरू कराया, भगवान कसम मुझे बोलना इतना अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा बोलती हूँ मैं, अकेले कैसे बोलूंगी ना। अब हाँ, आपके सहारे में बोल सकती हूँ। तो अब हम रूम में जाते हैं और सोमू की विदाई करते हैं। लोग हमको ऊपर से देखे हुए हैं, दो चार एक लोग, लेकिन बनाना ही हुआ फिर ब्लॉग शर्माना नहीं हुआ ना। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं नीचे रूम में और सोमू को थोड़ी बस फोटो वोटो दे देती हूँ, बस फिर मैं चलती हूँ। हेलो दोस्तों, मेरे बाल बना रही है पूनम, देखिए कैसा बनाती है, अभी दिखाएंगे आपको पूरा लुक, हमारी हीरोइन जैसी बनाने वाली है आज, इतनी प्यारी लगने वाली हूँ मैं। तो ये मैंने सोमू की चुट्टी बना दी है। है ये टेढ़ी क्यों हुई फिर, ये बहुत टेढ़ी हो गाइस। गाइस को मैं बताती हूँ, गाइस मैं ऐसी बन के जाऊंगा, देखो मैंने सोचा हेयर स्टाइल बनाएगी पर बनाया ऐसा है, दिखा ऐसी चुट्टियां बना रखी है इसने, देखिए। और लास्ट में कह रही है मेरे बाल अच्छे नहीं, सबसे बेस्ट मेरे बाल हैं, इतने अच्छे हैं देखिए, बेस्ट तो मत ही बोल, बेस्ट है। और फिर इसको बाल बनाने नहीं आ रहा है, अभी देखना मैं 2 मिनट में कैसे चुटिया बनाती हूँ। 2 मिनट में चुटिया बनाना सीखो बिना उसके। कंघी नहीं लगाई, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, देखिए अच्छी लग रही है ना बहुत। तो गाइस हम अखरोट खा रहे हैं, लेकिन ये टूटेगा ही नहीं, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, बता। इसने मुझे क्या दिया है ये? मेरे पास भी यही है गाइस, खाली इतनी मेहनत लगी है और कुछ है ही नहीं इसमें। ये पहाड़ी बोल के दिखाऊं आपको, मैंने अरे वो पहाड़ी बुलाई थी उसके लिए करती है। अब तो इंडिया के पहाड़ी और ना ये निकलना ने ला रही है नित्री, मैं इसको अपने हाथों से खिलाती, ले क्या खिलाऊँ अपना सर अगर। तो क्रीम लगा रहे है ना, आधा मिल क्रीम बार कौन है ना, हम बोली सकूँ खाली 2 मिनट भी यार, अब मत जाओ बाय। तो अब हो गया सोमू का जाने का समय और ये बैग भी हो गया है पैक, थोड़ा सा वो हो रहा है क्या दुख, क्यों तंत्र को तो मजबूरी में आई थी। हाँ बाय, मेरे सामने ऐसा कहने वाली भी है, मजबूरी में आई, बाय 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 गाइस, जल्दी आना अगले साल। टाइम पास के लिए कॉल कर रही है। तो गाइस सोमू को जाने का मन नहीं कर रहा है, वापस आ गई है ये, फिर से आ गई है और मैं इसको लेने आई हूँ, मन नहीं कर रहा जाने का, आज भी यही रहूंगी। सामान भूल गई थी पगली, ये जो कि इसमें मेरी ड्रेस है कॉलेज की ड्रेस, बोतल में ढक्कन लग जाएगा शायद, लग वैसे तो लगा है, ढक्कन ही नहीं मिला मुझे। अब सच में वाला बाय, इसने मुझे इतना यहाँ तक ला गई है ऐसी, मैं ऐसी दिख रही थी, और क्या कहते हैं जाने का मन नहीं है तो क्यों जा रही है, मैं रुक जा फिर भी। मैंने सच बताऊं तो अपनी ड्रेस भूल गई थी यार। कोई सच मत मानना कि मैं यहीं वापस आ गई। ठीक है बाय, चल फिर अब बाय बाय, अब दौड़ दौड़ के जा रही हूं। ठीक है फटाफट फटाफट जा, और कुछ भूली होगी तो भिजवा दूंगी मैं। तो अब चली गई है सोमू फाइनली और मैं भी घर जाती हूँ, कई सारा काम है खाना ना बनाना है, आप लोग बने रहो, मिलते हैं।